नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मोपरा मोलकी में वापस विजिट पर आए हैं, जो कि हमारे किसान जो भैरूलाल जी धाकड़ है, इन्होंने यहाँ पर चने बोए हैं। कितने बीघे के चने हैं ये? अढ़ाई बीघा। 2 से 2.5 बीघे के चने की खेती की है, लेकिन चने की फसल में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे पास एक पौधा है, इसमें क्या समस्या आ रही है पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे ये आप चने देख पा रहे हो, प्लॉट दिखाओ, ये चने देख पा रहे हो, ये चने में जैसे कि पौधे ऑटोमेटिक गम हो गए हैं, कुम हो गए, यानी कि जड़ गलन की समस्या देखने को मिल रही है। पौधे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं, तो अब किसान का कहना है कि इनकी भरपाई कैसे करें। जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन इनकी भरपाई कैसे की जाए? तो भरपाई करने से पहले किसान की गलतियों की बात करें कि अगले साल ये ध्यान रखेगा, तो उसमें पहली मेजर गलती है कि जो चने बोए थे उसके पहले उसका बीजोपचार नहीं किया गया था। बीजोपचार भी आपको लिक्विड डवाई से करना चाहिए, या तो आपको BSF कंपनी की जेलोरा या फिर UPL कंपनी का प्रोवेक्स, इसके अलावा बायर कंपनी का गाउचो, ऐसे 2 से 4 बढ़िया से बढ़िया फंगीसाइड है, उनका आप बीजोपचार करें। जैसे आप इसमें सिजेंटा का क्रूजर भी ले सकते हो। अब इसमें बीजोपचार नहीं किया है, तो बीजोपचार नहीं कर पाने की वजह से इसमें पूरी तरह से फंगस ने घेर लिया है। ये पूरी तरह से जड़ फंगस आ गई हैं, तो फंगस आ गई हैं, तो अब फंगस से जड़ की ग्रोथ तो रुक गई है, जड़ गलन की समस्या आ रही है। जड़ गलन हो गई है, तो अब जड़ की ग्रोथ रुक गई है, ऊपर से पत्ता पूरा सूखने लग गया है। अब आप देखोगे तो 2 से 5 दिन में ये पूरा पौधा नीचे गिर जाएगा, यानी कि यहाँ से जो मैंने जहाँ से ये पाड़ा है वहाँ से ये गोड वापस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी मेजर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो मैं किसान भाई लोगों से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले तो अगले साल आप ध्यान रखें कि इसमें आप जो चना है उसका बीजोपचार करें। बीजोपचार करने के फायदे की बात करें तो 1 महीने तक बीजोपचार की वजह से जड़ में फंगस नहीं आती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा फुलाव वाले स्टेज तक इसमें फंगस नहीं आने देता है। एक मेजर कारण की बात ये करें तो इसमें जो आपने बारिश के समय अगर इसमें मूंगफली बोई होगी, सोयाबीन बोया होगा, तो आपने खरपतवार नाशक की दवा का छिड़काव किया होगा, तो आपको पता है कि इस साल बारिश कम हुई है और लोगों ने सिंचाई करके फसल की पैदावार ली है, तो जो वह दवाई खरपतवार नाशक है वो ऊपर ज़मीन में पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से उसका प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इमीजिएट थापर 10% का प्रयोग किया है तो इमीजिएट थापर अभी जो चने की फसल पर प्रकोप दिखा रही है, यानी कि इमीजिएट थापर से चने की फसल ख़त्म होती है, तो वह जहर भी अभी ज़मीन के अंदर उस दवाई का है, तो उसकी वजह से भी चना जा रहा है। तो ऐसे स्टेज अगर देखें अपन तो ऐसे स्टेज की वजह से भी चने जा रही हैं, तो मेजर 2 कारण हो गए। तीसरा कारण की बात करें तो अभी तो इसमें इल्ली का अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन जिस खेतों में इल्ली का अटैक हो रहा है टहनियाँ ऑटोमेटिक टूट रही हैं और कई कई लोगों पर पौधों पर इल्लियाँ भी नज़र आ रही है। तो ऐसे स्टेज पर आप ये 3-4 कारणों को ध्यान रखें और जो अब ये जो चने जा रही हैं, जैसे खेत खाली हो रहा है, जगह जगह पर तापे पड़ गए हैं, तो इनकी पूर्ति के लिए आप जब इसकी सिंचाई करें तो उस समय पर आपको इसमें जाइम 4 kg 4 kg बायोविटा और 15 kg यूरिया और 5 kg सल्फर, और एक आपको सबसे बढ़िया फंगीसाइड लेना है, आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर के अंदर आप बायोस्टेट कंपनी का रोको थायफेनाइन मिथाइल दोनों का कॉम्बिनेशन इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर स्प्रे छिड़क कर आप इसमें पानी लगा दे, या फिर आप पानी नहीं लगा रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे के लिए आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम से 15 ग्राम पर टंकी, इसके अलावा आप इसमें पोटेशियम हुमेट जो कि ट्रॉपिकल कंपनी का टेक बायो गोल्ड के नाम से मिलता है, माँ कीर्ति कंपनी का पेंथर प्लस के नाम से मिलता है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में पोटेशियम हुमेट आता है, पोटेशियम हुमेट बहुत अच्छी काम करता है, जड़ की ग्रोथ को सुधारता है, बढ़वार करता है, पौधे में पीलापन दूर करता है। तो इन 2 से 3 चीज़ों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें NPK 19-19 का भी स्प्रे करें ताकि पौधे में एकदम कलर आए और पौधे की ग्रोथ बढ़े, आपको जड़ बढ़ेगी तभी ऊपर पौधे की ग्रोथ बढ़ पाएगी। इसलिए अगर ये पौधे दूर दूर ज़्यादा हैं तो इन कारणों को करें और आप पैदावार अधिक से अधिक लेवे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।